क्या आप भी सऊदी अरब के अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जा रहे या जाने के बारे में सोच रहे, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब के अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की वैकेंसी आती है तो उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपकी बेसिक सैलरी कितनी लगती है, आपको ट्रिप कितना मिलता है और आपके महीने भर की कितनी सैलरी आ जाती है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर आप भी सऊदी अरब के अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जा रहे हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, यह आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब के अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं ऐसी वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब के अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी अरब के अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। दोस्तों इसका पूरा नाम है असर अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी और इसका हेड ऑफिस दमाम में है। दोस्तों अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अपना एक दोस्त रहता है, उससे हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई थी तो उससे हमने पूछा था कि भाई आपकी कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी लगती है, उसको ट्रिप कितनी मिलती है और उसके महीने भर की सैलरी कितने तक आ जाती है, तो उसने जो बताया वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास अगर गाड़ियों की बात करें तो इसके पास ओबर है, डायना है, ग्लाप है, सत्ता है और टंकी है। दोस्तों अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसकी बेसिक सैलरी 1000 प्लस ट्रिप लगती है। दोस्तों बात करें सैलरी की, भाई महीने भर में इसमें कितनी सैलरी बन जाती है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसमें महीने भर में सैलरी 3000 से लेके 5000 तक बन जाती है। दोस्तों इसमें आपको बताना चाहूँगा इसमें हर गाड़ी का अलग अलग सिस्टम है, जैसे डायना का अलग सिस्टम है, ऊबर का अलग सिस्टम है, ग्लाब का अलग सिस्टम है, हर गाड़ी का अलग अलग ट्रिप सिस्टम है, इसलिए सैलरी इसमें आपको 3000 से लेके 5000 तक बन जाती है। आपको कौन सी गाड़ी मिलती है उसी हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। दोस्तों बात करेंगे लाइसेंस की, तो अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको कंपनी लाइसेंस बना कर देती है। जैसे मान लो कोई नया बंदा आता है तो उसका महीना डेढ़ महीना तो अकामा बनने में लग जाता है, अकामा बनने के बाद आपका लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, यानी आपको 3-4 महीने में कंपनी लाइसेंस बनाकर दे देती है, आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। दोस्तों बात करेंगे छुट्टी की, अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल बाद में उसको 3-4 महीने की छुट्टी मिल जाती है, साथ में आने जाने की टिकट मिलती है, साथ में बोनस मिलता है और बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। और दोस्तों अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर आपको कभी इमरजेंसी काम होता है तो आपको इमरजेंसी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपको टिकट अपना लेना पड़ता है। दोस्तों अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की इंटरव्यू आपके आसपास कहीं चलती हो तो आप इसमें बेधड़क आ सकते हो, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और दोस्तों फ्रेश बंदे के लिए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको कंपनी लाइसेंस बना कर देती है, आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि मेरा कोई भी भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से अगर विदेश आता है तो वो अच्छी कंपनी में आए, अच्छी सैलरी पे आए, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद रहता है। और दोस्तों आप गल्फ की किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कंपनी का पूरा नाम ज़रूर लिखिए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे जानकारी दे सकें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरब के अलगाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।